ऐसा है क्या?
विद्या के नाम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं विद्या के बैनर पे, विद्या एपिल पढ़ाती है। एपिल माने सेब, जो कि गलत इंग्लिश है, बट ऐसा क्यों पढ़ाती है उसके पीछे की पूरी कहानी आपको पता चलेगी कि एक अनपढ़ लड़की क्यों स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा रही है। और एक कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ क्योंकि एक टेलीविज़न शो है तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा सा रोमांस होगा, थोड़ा सा ड्रामा होगा और बहुत सारी पढ़ाई होगी। नहीं उड़ान के बाद मैं चिल कर रही थी, पर महेश पांडे जी जो इस शो के निर्माता है, जिन्होंने इस शो का कॉन्सेप्ट लिखा है और जो राइटर भी है शो के, उन्होंने उड़ान लिखा था कुछ टाइम के लिए और मतलब टेक्निकली हमने साथ काम किया है, तो वो जानते थे कि मैं कौन हूँ, किस तरह की एक्टर हूँ, और उन्हें लगा कि शायद उनके शो के लिए मैं सही चॉइस रहूँगी या उन्हें लगा कि मैं फ़िट होती हूँ इस कैरेक्टर में, तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, मतलब मैं सिर्फ सुनती रही और मैंने अपने आप को इमेजिन भी कर लिया जब वो मुझे सीन्स बता रहे थे। तो जब आप अपने आप को इमेजिन ही कर लो फिर तो आपको लगता ही आपको करना चाहिए, प्लस टेलीविज़न पे ऐसे शोज़ बनते नहीं हैं, तो जब ऐसे मौके मिले तो फिर छोड़ने नहीं चाहिए। तो मेरी एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में टीचर्स बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, पर मेरी एक मैथ्स की टीचर होती थी जो साउथ इंडियन होती थी, तो वो एम को यम बोलती थी, फिर वो वाई को येल्लो को एल्लो बोलती थी, तो जब मैं ये सारे प्रोनंसिएशंस करती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ और फिर मैं कहीं ना कहीं ऐसे प्रोनंसिएशंस निकालती हूँ। बट हाँ, जब ऐसे स्कूल वाली सीन्स होती तो मुझे अपनी स्कूल याद आती है। बच्चे बहुत शैतान होते हैं, पर मुझे बच्चे बहुत पसंद है, जब तक बच्चे सवाल पूछना ना शुरू करें तो फनी होता है, बच्चों के साथ मज़ा ही आता है, वो बच्चे खेलते हैं फिर आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हो, ऐसे सब चल रहा होता है तो मज़ा आता है उनके साथ सीन्स करने में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो कैसा इंसान होता है, कितना एक्सपोजर की बात है कि जब हम लोग नहीं जानते कि जब मतलब होता है ना, हमने पढ़ाई नहीं की, हम चार लोगों के बीच में बोलने के लायक नहीं समझते अपने आप को क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। जहाँ होता है ना, अभी भी बहुत सारे जगहों पे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अरे हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, जब यही बच्चे बड़े होंगे उनको समझ आएगा कि अगर पढ़ लिया होता जब मौका था तो क्यों नहीं, और क्यों हमने छोड़ी पढ़ाई। माँ बाप समझेंगे कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वह ऐसा बनेगा, तो ये सारी बातें हैं जो वो तो कैरेक्टर का हिस्सा है कि ये कैरेक्टर क्या क्या करता है। ये लड़की जब पढ़ी लिखी नहीं है तो वो ये सब करती है, घर पे क्या क्या काम करती है, तो ये क्योंकि शो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप सब मुझसे थोड़ा सा प्यार करते तो प्लीज़ देख लीजिए। शुरू करो इंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
इस शो के लिए तैयारी ये कि मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत सीरियस हो गया हूँ और डीएम के बारे में पढ़ना लगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ने लगा, कैसे होते हैं, क्या होते हैं उनकी लाइफ में, कैसा होता है वो, कैसे अपनी अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया, कोशिश की और इन्होंने डिग्री हासिल की, अपने फ़ोन्स को अवॉइड करना शुरू किया और इंस्टाग्राम और ये फालतू चीज़ें जितनी भी हैं इन सबको इग्नोर किया और रियल लोगों से मिलने लगा, फ़ोन से दूर रहने लगा, लोगों इंसानों से मिलने लगा और अपने बाल कटवाए मैंने जिससे कि मेरा सारा ध्यान बालों में ना रहे और बॉडी ऐसी नॉर्मल खाना खा रहा हूँ ना है ना ज़्यादा जिम करता हूँ, आधा घंटा सिर्फ फिटनेस के लिए जाता हूँ। तो ये सब चेंजेस किए मैंने अपने कैरेक्टर के लिए, क्या लड़का लड़की है और टीवी में हीरो चार काम करता है, घर से बाहर निकालते हैं। अच्छा छोड़ो, मैं विवेक जो है विद्या को इनिशियली हेल्प करेगा बट बाद में हिल गेट आई थिंक कंफ्यूज कि पहले उसे लगेगा जो नॉर्मली होता है कि प्यार हो गया लो, आई थिंक विवेक को पहले प्यार होगा क्योंकि सिंप्लिसिटी विद्या में बहुत अच्छी है, विद्या का कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो विवेक को विद्या से प्यार हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि वो झूठ बोल रही थी कि वो टीचर हैं और उनको सच में कुछ नहीं आता, तो समथिंग समथिंग ऐसा। हम बहुत एक्साइटेड हो, मैं बड़ा खुश था, मैंने बोला रात नहीं सो पाई, नहीं नहीं झूठ बोल रही है लड़की, कोरा झूठ बोल रही है, तो ही होगी बट दिमाग में कहीं ना कहीं आया हूँ। तो हमारे जब मुझे पता चला कि मैं मीरा के साथ काम कर रहा हूँ तो एक बहुत अच्छी फीलिंग, आपको फीलिंग आ जाती है, आजकल सबको आती है, सब जजमेंटल होते हैं, तो मैंने भी जज किया यस अच्छा शो करने वाला नहीं, अभी तक हुआ नहीं है बट होगा जल्द, आपको मैं इस प्रैंक के बारे में आपको मैं न्यूज़ दूंगा, प्रैंक तो मैं करता हूँ उसमें फेमस भी हूँ बट थोड़ा टाइम दीजिए, शो शुरू नहीं हुआ अभी मेरा, मैं रो देती हूँ अभी से बता रही हूँ। ओके हम टिश्यू लेकर आएंगे, जब मैं सीरियसली समझाऊंगा तब भी इसको मजाक ही लगेगा। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, नो हमने शूट नहीं किया, हम दो ही बार मिले अब तक बट इट्स वी हैव कनेक्टेड ऑलरेडी एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल विद हिम, सो आई गेस जब हम शूट करेंगे तो और मज़ा आएगा। आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, जल्दी आ जाओ सेट पे। यस यस, ये कहूँगा जितना आज तक हमें प्यार दिया उतना देते रहिए प्लीज़। विद्या देखिए, यस विद्या देखिए, मंडे टू फ्राइडे 9 सितंबर ओनली और कलर्स शाम 7 बजे। यस, और विद्वेक फैंस जो थे उन सबको मेरी तरफ से